खबर भिंड से है, जहां खेरौली गांव में एक पति ने फावड़ा मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद खुद भी खुदकुशी करने के लिए कुएं में कूद गया। हालांकि वह गंभीर घायल था, जिसे ग्वालियर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल भिंड के अमायन थाना क्षेत्र में एक पति ने बेरहमी से अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और खुद भी खुदकुशी करने का प्रयास किया। भिंड पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि शुक्रवार दरमियानी रात खेरौली गांव के रहने वाले सीबू सिकरवार ने अपनी पत्नी पूजा सिकरवार पर फावड़े से हमला कर हत्या कर दी थी। इसके बाद वह गांव के एक 40 फीट गहराई वाले सूखे कुएं में आत्महत्या करने के इरादे से कूद गया, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई, गंभीर रूप से घायल हो गया। रात भर कुएं में पड़ा रहा आरोपी चोट की वजह से कराहता रहा। जब सुबह कुछ लोगों ने उसकी आवाज सुनी तो उसे कुएं से बाहर निकाला और उसे घर से लेकर गए तो पत्नी की हत्या का पता चला, जिस पर लोगों ने 100 डायल को सूचना दी और मौके पर अमायन थाना पुलिस टीम पहुंची। चूंकि आरोपी सीबू गंभीर घायल था, इसलिए उसे प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। एसपी चौहान ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि सीबू और पूजा सिकरवार की शादी 2015 में हुई थी। करीब 2-3 साल पहले दोनों के बीच आपसी विवाद के चलते वे अलग रह रहे थे। जिसके चलते वे अलग रह रहे थे। कुछ दिन पहले ही पत्नी पूजा वापस अपने पति के पास रहने आई थी। ऐसे में आशंका है कि दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ हो, जिस पर आरोपी ने गुस्से में अपनी पत्नी की हत्या कर दी हो। हालांकि अभी आरोपी के बयान होना बाकी है। पुलिस पूछताछ के बाद ही घटना का असली मकसद सामने आ पाएगा। ये हमारे यहाँ पे अमायन थाना है, उसमें खैरोली करके एक गांव है, उसमें ये पति पत्नी थे। पत्नी का नाम पूजा सिकरवार था और पति का नाम शिवू सिकरवार था। तो कल रात में ये पति ने एक फावड़े से अपनी पत्नी पे हमला कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। और पत्नी को मारने के बाद फिर वो कुएं में कूद गया था। एक सूखा कुआं था करीब 30-40 फीट का, उसमें जो कूद गया था। उसके बाद इसकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन इसको काफ़ी चोटें आईं। तो जब ये करा रहा था तो कुछ लोगों ने इसकी आवाज़ सुन के इसको देखा, इसको बाहर निकाला तो काफ़ी स्थिति इसकी ख़राब थी। तो उसमें इसको स्थिति को देखते हुए इसको ग्वालियर रेफर किया गया, जहाँ वर्तमान में भी ये उपचाररत है। 2017 के करीब इनमें शादी हुई थी, फिर बीच में इनका किसी बात को लेकर आपसी विवाद चल रहा था। अभी कुछ दिन पहले ही पत्नी जो है वो आके इसके साथ वापस रह रही थी, और उसी के बीच में संभवतः इनके बीच में कुछ आपसी बात को लेकर विवाद हुआ होगा, जिसको लेकर ये घटनाक्रम हुआ होगा। अब जैसे वो उससे बातचीत होगी पति से और पूछताछ हो पाएगी, तब पता चलेगा कि इसका असली कारण क्या है।